जी कल तुम पोते बैठ के कॉन्फ्रेंस की करो खड़े ने पहाड़ों च प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके फिर थानू पता लगू फिर थानू पता लगू भी की चल रहा इतने। मेरा इल्जाम थोड़े से लाया हुआ झूठा निकले जे तुसी पंजाब सरकार के खजाने चो एक रुपया भी लेके आए फ्लाईओवर से तो कांग्रेस पार्टी गुनाहगार है। देश भारत है जेड़ा वो केवल से केवल 2022 दे विच आजाद होया 1947 च नहीं आजादी मिली जदों दे देश भगत आए इन्होंने आजाद किया 60 के करीब पिलर लगे कदे कांग्रेस पार्टी ने उत्थे नंगा नाच नचया जाके कदे डुग डुगी बजाई फ्लाईओवर पर जाके कि असी 60 पिलर बनाए। मंत्री साहब 2018 तो बाद बनिया यह तुसी नहीं बनाया इतने अज सानू इतने राजनीति ता करनी पै रही ता बोलना पै रहा जो थोड़े ये जिन्हें ड्रामेबाजी नहीं हट रही इतों इन्हों दो तीन फोटोशूट कैमरे होंगे जिमें सिक्रिप्टिड हों सारा काम वो किस तरह कर दें कैमरा लैके आ जाने मंत्री जी अज पुलते चढ़ गए जी अज पत्थर चक रहा जी अज इन्हें तसला पा के भीम बनाता जी अज रात में बैठे जी। मैं नंगल वासियों कहना चाहना जिथे भी कोई पार्टी का बंदा धरना दे लोग मंत्री साहब न दरियाले दस दे आ फोटो थोड़िया जब तुम दसंबर 2021 धरना देके नंगल शहर की बर्बादी का नींह पत्थर रखता सी जिदन तुम अंडरपास रुकवाया थानू माफी मंगनी चाहिए नंगल शहर वासियों तो जब तुम 2021 धरना देके अंडरपास रुकवाया जिन्हें नंगल शहर का विकास होना सी। तीन चार दसंबर को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जेड़े राजेश चौधरी जी सी अठवाल साहब सी हरजोत नायक जी सी अजकल बहुत ही बड़े नेता जेड़े हमेशा ही पुलते पत्रकारों भी परसों रात लड़ रहे सी श्री संजीव गौतम जी ये भी सी असी बीबीएमबी के पंजाब सरकार के गेस्ट हाउस में साडे रिश्तेदार बैठ के उसे चाह के कप मुर्गे नहीं खाते कदे तुम बीबीएमबी के अफसर धमकिया देने कदे तुम पत्रकारों धमकिया देने कदे तुम राजनीतिक लीडर धमकिया देने कदे जड़ा बंदा दरी पर बैठता जड़ा बेइंसाफी की विरुद्ध लड़ाई लड़ता तुम उन्होंने धमकिया देने। कल भी पुलते तुम कह गए कहते देखा परमात्मा ने माड़ा करे साडा बहुत आए इतने असी तो अपनी सरकारों वाले भी लड़ते रहे जो बेइंसाफी के खिलाफ और तुम 50,000 करोड़ रुपए का एक साल च लोन ले लिया लोगों दिया इतने लोन से तुम कदा ही करते पंजाबी एक साल च 50,000 करोड़ रुपया लोन लैके तो तुम गल करते विकास दिया जिन्होंने अंडरपास बनने तो शहर की बर्बादी की रोकया है उन्हें खास करके हरजोत बैल जी जिम्मेवार है इन्हों शहर वासियों को माफी मंगनी चाहिए। NHI वालों शुरू किए गए 217 के एक प्रोजेक्ट जोड़ा कि अजकल राजनीति का बहुत वड्डा मुद्दा बनया होया जिसने कि साडी कांग्रेस कॉल दे विच शुरू होया सी ते 2019 दे विच पूरा होना सीगा लेकिन हाले तक ये अनकंप्लीट पिया। बेशक मंत्री जी ने इहदे विचों दी रस्ता एक पासों कढ़दा कर दिता हैगा बट ये प्रोजेक्ट हाले अनकंप्लीट है। इस प्रोजेक्ट दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के लिए एक बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट सी जिन्हों अंडरपास कहा जाना सीगा और अंडरपास बनना सीगा उहदे लई की रुकावटां आईयां और इस प्रोजेक्ट लई की रुकावटां आईयां ये सारिया ही तथ्यों नूं लै के परमजीत पम्मा जी साडे कांग्रेस लीडर हैगे आ ते वकील जी ने ये तुहाडे सन्मुख होण लगे आ। परम सब तो पहला अज
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਜੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੱਟੂ ਜੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਮਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੰਮਾ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲਖਵੀਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਦੀਪਕ ਨੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਵਾਸੂ ਜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਜੋ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੜਚਣਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2-3 ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੌਲੀ ਮੋੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ 5 ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਸਲਾ ਪਾਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਮ ਪਾਤਾ
अज मैं जी रिक्शा चला लिया वो पर अज मैं स्कूटर लेके निकल लिया जी, ये किस तरह हो रहा जी। असं थोड़ा स्वागत करते पर तुसी हिम्मत रखो स्वागत करन दी कांग्रेस पार्टी की। राणा कमरपाल सिंह जी के समय सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जिन्हों का अच्छ सरदार मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन आसी, उन्होंने भी मुबारक दें, उन्होंने धन्यवाद करते कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2014 तक एक रोड प्लान तैयार किया जिसे केंद्र सरकार बीजेपी का भी रोल है NHAI का। उस तो बाद जिहड़ा कीरतपुर वाला फ्लाईओवर जिहड़ा फोर लेन है कीरतपुर साहब तो महतपुर तक का, वह भी सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने अनाउंस किया। अज मंत्री साहब कहते 5 महीने बाद काम शुरू होगा। और तुम 1 रुपया आप भी लेके आओ, तुम 700 नंबर के लोगों कि मैं 1 रुपया फ्लाईओवर नहीं लैके आया तो असं गुनाहगार हैं। 7-8 किलोमीटर का सफर है कुष्ट आश्रम तो लैके शिवालिक एवन्यू तक फ्लाईओवर का, 60 के करीब पिलर लगे। कदे कांग्रेस पार्टी ने उत्थे नंगा नाच नचया जाके, कदे डुगडुगी बजाई फ्लाईओवर पर जाके कि असी 60 पिलर बनाए, सैकड़े बिल पाए गए। रेलवे मंत्री साहब तुसी परसों चिट्ठियां दिखाते सी, कहते जी मैं ये चिट्ठिया लैके आ, लिखिया चिट्ठिया केंद्र सरकार को, थोड़ा धन्यवाद है, स्वागत है थोड़ा कि तुसी एक पासा खोलिया, पर जिहड़ियां तुसी चिट्ठिया लिखिया कांग्रेस पार्टी ने कम करके दसिया, घट्टो घट इस फ्लाईओवर च 60 के करीब पुल पिलर पाए, 100 के करीब स्लैबा पईआं, ये तो वध पईआं होणगीआं। जिते मंत्री साहब पोते खड़ के दस रहे सी सतलुज दरिया ते, कहिंदे इत्थों लंगर बहुत सोहणा लगणा, मंत्री साहब ये 2018 तो बाद बणिआ, ये तुसी नहीं बणाया इत्थे। अज सानू इत्थे राजनीति तां करनी पै रही, तां बोलना पै रिहा जदों तुहाडे इह जिहड़े ड्रामेबाजी ने हट रही इत्थों, थोड़ा आके आ जाने कीरने पाने लग पे उत्थे पोते आके, वो जी फलाना रोकता जी, वो जी ढिमका रोकता जी। मैं बीजेपी की भी निंदा करता इतों, बीजेपी ने भी अपना दिमाग चलाया, बीजेपी ने भी किसी लीडर ने आके कोशिश नहीं की, केवल तो केवल 2024 दी इलेक्शन डीकिया उन्होंने डीकिया कि कद 2024 दी इलेक्शन आओ असी नवंबर दसंबर के पा के हिमाचल के पंजाब के लोगों का दिल जितांगे, उन्होंने आ नीति सी। पर मंत्री साहब उन्होंने तो कुछ किया हो, तुसी तो रुपया नहीं खर्चिया, 60 पिलर कांग्रेस ने बनाए। ये परमिशन की गल करते इतने सत्कारत है, जिहड़ी परमिशन रेलवे की लई गई अजौली मोड़ते जिते फाटक लगता, PACL तो लई गई, NFL तो लई गई, जिहड़ी परमिशन दरिया के सतलुज जिते पिलर पाए हुए, जिते मेन पुल पिया जिहड़ा कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वह कांग्रेस पार्टी ने BBMB तो केंद्र तो परमिशन लई, होर कितनियां परमिशनां लईआं। तुसी एक रेलवे की चिट्ठी दिखाई जाने सानू 2 साल तो, मैं बनाता जी, फिर आके आखिर च प्रैस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे ओ नहीं जी मैं राजनीति नहीं करता। जे राजनीति नहीं करता 5 दिन हो गए थानू पुठे सीधे होंगे पुल से, ते नहीं करते तो लोगों को पता है किने बनाया। इस करके मंत्री साहब कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्वागत करती, चाहे तुसी बिना एनओसी ते खोलिया ये जिहड़ा फ्लाईओवर है, चाहे कुछ होवे, पर फिर भी इस कांग्रेस पार्टी जिगरा रख दी, तुसी भी जिगरा रखो, तुसी दसो लोगों भी 7-8 किलोमीटर के जिहड़ा फ्लाईओवर बनाया गया कांग्रेस पार्टी के वेले राणा कमरपाल सिंह की सरकार वेले, वह बनाया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सी पहला, फिर सरदार चन्नी जी सी। एक मैं टैक्नीकल गल होर दसदा, आ जिहड़ा इत्थे ट्रक यूनियन के चौंक के कोल है उहदा ही वाहवा लुट्टी जाने। कांग्रेस पार्टी ने 2018 च शुरू किया सी, 2020 मार्च महीने च लॉकडाउन लग गया, 2 साल कम नहीं होया, असी तो पाए 2 साल 100 पिलर बीम पाए, स्लैबा पाइया, 7-8 किलोमीटर के फ्लाईओवर बनाया, तो तुसी एक स्लैब पा के इत्थे ट्रक यूनियन के कोल हर रोज फोटो खिचा के। ते नाले एक गल मंत्री साहब, तुसी बहुत सरकार है, थानू परमात्मा ने बहुत छोटी उम्र के रुतबा दिता, वह रुतबा दिता जिहड़ा तुसी सारी जिंदगी परमात्मा दे ऋणी रहोगे, नंगल ते आनंदपुर साहब के लोगों के ऋणी रहोगे। पर मैं कहना यह धमकियां देने लिए रुतबा नहीं दिता, कदे तुसी पत्रकारां नूं धमकियां देने, कदे आनंदपुर साहब ते तुहाडे आम आदमी पार्टी के बंदे पत्रकारां नूं कुटदे आ, कदे तुसी जिहड़े बंदा तुहाडे खिलाफ खबर लांदा जिहड़ा सच नूं उजागर करदा तुसी उहनूं धमकियां देने, कदे तुसी कांग्रेस पार्टी वालों नूं धमकियां देने। आ हुण भी मेरे शादरा जे लाइव होया जा थोड़े भरावान ने तेरे चैनल पर चलाई इना दे जड़े जड़े भाड़े के टट्टू है वो लोग ट्रोल करते गाला करते मावा भैन दियां, ये भगत सिंह जी थानू दस के गए सी। एक होर गल है मैं नंगल वासियों कहना चाहना,
जिथे भी कोई पार्टी का बंदा धरना दे ये लोग मंत्री साहब नूं दरियां दसदे। मैं मंत्री साहब थानू पुछदा तुसी दरियां बिछाइया सी 2012 दे विच, तुसी 2012 दे विच दरियां बिछाइया सी दिल्ली रामलीला ग्राउंड च जिथों थानू थोड़ी पार्टी का आगाज होया। 12,000 लोगों ने लंगर वासियों ने इत्थे सोशल संस्थावां ने राजनीतिक पार्टियां ने साइन करा के दिते कि अंडर पास बनाया जाए। मंत्री साहब तुसी लंगर दे लोगों के गुनाहगार हो। आ देखो अपनी फोटो जब तुसी फ्लाई ओवर नूं रोकन आए सी, आ देखो आ फोटो तुहाडियां जब तुसी दसंबर 2021 दे विच धरना दे के नंगल शहर की बर्बादी का नींह पत्थर रखता सी, जिदन तुसी अंडर पास नूं रुकवाया सी, अज तुसी ललकारे मार दे, अज तुसी ललकारे मार दे। कहिंदे अड्डा मार कर दियां दुकानां चल पईआं, बेशर्मी की हद हुंदी। तुसी नंगल दे शहर की बर्बादी की उदन लिख दित्ती, नींह पत्थर रखता सी, जिदन नंगल शहर की बर्बादी लई रेलवे क्रॉसिंग के अंडर पास नूं रुकवाउण लई तुसी जिम्मेवारी निभाई। आ देखो अपनी खबरां, आ दसो इहदे विच झूठ है जे गल्लां मारन आ गए। कल कहिंदे मैं अड्डा मार करदा व्यापार विधाता, बर्बादी कीती तुसी नंगल शहर की। थानू माफी मंगनी चाहिए नंगल शहर वासियों तो, जब तुसी 2021 दे विच धरना दे के अंडर पास रखवाया जिन्हें नंगल शहर का विकास होना सी। आए आम आदमी तुसी निजी अटैक करदे, तुसी निजी कांग्रेसियों से भी अटैक करदे, तुसी निजी होर राजनीतिक लोगों से भी अटैक करदे। मंत्री साहब असी गैसट हाउस में बैठ के, असी बीबीएमबी के पंजाब सरकार के गैसट हाउस में साडे रिश्तेदार बैठ के उत्थे चाहां दे कप मुर्गे नहीं खांदे। मंत्री साहब जिन्ना तुसी फायदा उठा रहे, असी थाने के कचहरी च साडे रिश्तेदार नहीं फिरदे। तुसी गल्लां मार दे, जिदन असी निजी हो गए, जिदन हो गए, जिदन कितने खेड़े के पहाड़ों के पाए हुए खूह से निगाह चलेगी, थानू मूंह लुका के नठन थौ नहीं मिलनी। इतने जिड़ी कल तुसी पुलते बैठ के कॉन्फ्रेंस की, करो खेड़े के पहाड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके, फिर थानू पता लगू, फिर थानू पता लगू भी की चल रहा इतने। इस करके मेरी बेनती है, मैं थोड़ा स्वागत करता इस गल से, आ धमकिया देनिया छड़ दो। कदे तुसी बीबीएमबी के अफसर धमकिया दें, कदे तुसी पत्रकारों धमकिया दें, कदे तुसी राजनीतिक लीडरों धमकिया दें, कदे जिहड़ा बंदा दरी ते बैठदा जिहड़ा बेइंसाफी की विरुद्ध लड़ाई लड़दा तुसी उन्होंने धमकिया दें। आ कल भी पुरते तुसी कह गए, कहते देखांगे। परमात्मा ने माड़ा करे साडा, बहुत आए इत्थे, असी तो अपनी सरकारों वेले भी लड़ते रहे जो बेइंसाफी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र है, थोड़े मांगो यह नहीं डिक्टेटरशिप इतने। तो मैं बेनती करता लंगर वासियों, असी लंगर के विकास के कांग्रेस पार्टी रोड़ा कदे नहीं बनेगी। जो आम आदमी पार्टी ने कल किया है परसों जरा उद्घाटन किया, असी तह दिल तो इन्हों का स्वागत करते, पर इन्होंने कदे इना जगड़ा नहीं आम आदमी पार्टी च भी जिहड़ा 2% काम इन्होंने 2 साल च किया, जिहड़ा असी 2018 तो लैके 20 तखर किया उदों लॉकडाउन करके कर नहीं सके, नरेंद्र दी सरकार आ गई। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी, थोड़े मंत्री साहब चन्ना दम नहीं कि तुसी इस काम का किते कांग्रेस के पार्टी के काम का किते हुए का तुसी धन्यवाद कर सको। तो तुसी आपां इक होर बेनती कर दे, पंजाब सरकार नूं भी कहने आपां इन्हां मुद्दे नूं डिवाइड नहीं करदा, और तुसी 50,000 करोड़ रुपए का एक साल च लोन लै लिया लोगों दिया, इतने लोन तो तुसी कर्जे ही करते पंजाबी, एक साल च 50,000 करोड़ रुपया लोन लैके ते तुसी गल्लां करदे विकास दियां। ते आपां बेनती करदे लंगर वासियों नूं, आनंदपुर वासियों नूं कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है एक पासे पुल चलन नूं आपां उहदा स्वागत करदे, पर जिहड़ी पुल दे नां ते झूठ फैलाया जा रहा, जिहड़ा भरम फैलाया जा रहा, ते जिहड़े लोग जिन्हां ने अंडर पास बनन तों शहर की बर्बादी की रोकिया है, उन्हां च खास करके हरजोत बैल जी जिम्मेवार है, इन्हां नूं शहर वासियों तों माफी मंगनी चाहीदी, ते नरे धमकियां देनियां बंद करो, नहीं तां कांग्रेस पार्टी जिहड़ा अफसर भी धक्का करूंगा, जिहड़ा मंत्री धक्का करूंगा, जिहड़ा कोई भी धक्का करूंगा, नंगर वासियों नाल खड़ी है, आनंदपुर साहब हल्के नाल खड़ी है,
घबराने की कोई लड़ नहीं। अंत कहना धनवाद करता राणा जी का भी, कांग्रेस सरकार का भी, जिन्होंने फ्लाईओवर बनाने पूरा यतन किया, पर लोग एक शराब पा के दो साल कहते एक चीची को बढ़ के अपने आप को शहीद कहना चाहते, यह शहीदी उन्होंने मिलनी नहीं है। आखिर के अंडरपास के जरा इन्होंने बनाया नहीं है, जरा मंत्री साहब ने, मैं थोड़ा फोटो दी 2021 दिया इन्होंने बंद तो रोकया है, वो हरजोत बैस जी माफी मंगन, मंगल के लोगों के जो व्यापार के इन्होंने घाटा किया है वह कदे घाटा ना पूरा होने वाला, पर फिर भी जो माफी मंगे तो इन्होंने थोड़े पाप धोए जाऊंगे। धन्यवाद। अंडरपास का कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, अंडरपास दिया खबर जो कांग्रेस पार्टी विरोध है यह सबूत के वजह है, तुम लै सकते चोपड़ा जी खबर दसंबर मेरे हिसाब से 3-4 दसंबर को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जोड़े राजेश चौधरी जी से अठवाल साहब से हरजोत बैस जी से अजकल बहुत ही बड़े नेता जोड़े हमेशा ही पुरते पत्रकारों ने भी परसों रात लड़ रहे थे श्री संजीव गौतम जी ये भी कांग्रेस पार्टी का एक बंदा बैठा हो गया अजे छड़ देने पार्टी अज गुनाहगार है ये लोगों ने विरोध किया मौके का जोड़ा प्रशासन से जो 2021 कांग्रेस की सरकार लॉकडाउन सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है उन्होंने जोड़ा प्रशासन से इन्होंने दबाव में आकर चिट्ठिया लिखिया अभी हक चाह जी अभी जो 2021 का निर्माण शुरू हो 2018 यदा मैप से पर जोड़ा आम आदमी पार्टी ने जोड़े हरजोत बैस जी सत्कार योग हरजोत बैस जी जिन्होंने माफी मंगनी चाहिए अंडरपास रुकवाते बंदे अज सा इन्हों का चलो साडा लैवल तो मंत्री साहब जिड्डा है नहीं है कोई मेरे वर्गा चेला चाटा भेज दे साडे नाल आ जाओ पब्लिक के बहस कर भी रोक रुकवा भी कौन जिम्मेवार से कांग्रेस पार्टी ने यह नक्शा तैयार करके भेजा दसंबर के जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जा चुकी जी कह मतलब कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का लग चुका है उदो इन्होंने धरने दे के रुकवाया यह जिम्मेवार है माफी ये मंगे राजनीति छड़ो साडी पार्टी का बयान यह कि कुछ कांग्रेसी पार्टी जे कुछ लोग है उन्होंने करके असी फ्राई हो जो अंडरपास है रुकन नहीं देना पर मंत्री साहब आए थे उन्होंने समर्थन च मंत्री साहब उन्होंने समर्थन च आके उन्होंने धरने बैठ के गए थे मैं शहीदा ने जाके सौ खाने तैयार है माता नैणा देवी से जाके मैं सौ खाने तैयार है तो हरजोत बैस जी भी हर रोज नाम लाने परमात्मा से माता नैणा देवी जी का वह भी सौ खा लन की मैं रखवाण च नहीं आया कांग्रेस पार्टी ये हक ची आ जे भाजपा ही है तो जे आम आदमी जे आ रखवाण से उदो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका जी कंपनी ने पुल बनाया इस कंपनी का पुल पिछले दिन गिर जो पूरा कंप्लीट हो गया ये इनकंप्लीट पुल चालू करता जे कल कोई नुकसान होंगे ओ मंत्री साहब ओ देखो जे असी ए बारे जवाब दईए तो उन्हें कह राजनीति कर रहे जी होर असी छोले तो बेचने नहीं करनी तो राजनीति है ना तुम भी तो कदे स्लैब से चढ़ जाने कदे उतर जाने दो साल च सिर्फ एक स्लैब पाई आ राजनीति नहीं जेड़े बंदे ने 7 किलोमीटर का पुल बनाया वह तुम बेनाम करके रखते बे कर नहीं देंगे तो आप अंडरपास रुकवाने वाले हैं एक स्लैब चल जी मैं चढ़ गया जी अज उपर मैं अज उतर गया जी अज मंत्री साहब ने पिलर के थले रख लिया जी गल हो गई जी मैं तुम जवाब पूछा जो कल कोई खुदा ना खासा कोई मिसहैंडलिंग होती है पुल का नुकसान होता है उनका जिम्मेवार कंपनी होगी मंत्री होगा या कोई होर यह दसा जी कौन होगा जिदन मंत्री साहब ने जिदन मंत्री साहब ने पुल का एक पासा खोलिया ना उदन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया ना डेप्टी कमिश्नर ना ही तहसीलदार ना ही एसडीएम इस करके नहीं आए उन्होंने सब कुछ पता भी कौन जिम्मेवार होगा कल भी जी धमकी जी देकर गए ना लास्ट मैं देखा वो यार कमाल की गल है देखने लिए थानू मंत्री बनाया जिते तू देखना एक रुपया नहीं हजे तक लैके आनंदपुर विधानसभा मैं 5 करोड़ आ गया मैं 10 करोड़ आ गया वह यही इन्हों का अखबारों से आता अखबारों से चले जाता इन्हों का पैसा नहीं पुजा देखो मैं इस गल च नहीं जाना चाहता कि मंत्री साहब यह फोटोजेनिक पार्टी नवी आई है कैमरे से आती इन्होंने कहना जी कांग्रेस पार्टी का कह रही आ हो जाना सी असी कहने थोड़ा स्वागत है पर दम रखो दम साडा भी स्वागत कर दो धन्यवाद कर दो जो फ्लाईओवर खोलिया जी कंपनी बना रही है प्रोजेक्ट वो कंपनी के बंदे मौजूद नहीं जी ना कोई कंपनी ना कोई डीसी ना कोई एसएसपी ना कोई तहसीलदार ना कोई एसडीएम साहब एक बैंस साहब इन्हों की बैंस साहब की पार्टी च एक नवा है इन्हों च आ गया भी अफसर की कोई लड़ नहीं दबका मार दो भेज दो विजिलेंस गल मुक गई
रख लो यार, असी रोकते थानू, असी तो कहने कुतुब मीनार बना दो ता भी थोड़ा स्वागत करूंगे। क्या एक अनकंप्लीट प्रोजेक्ट के उत्ते किसी प्रकार का नींव पत्थर रखा जा सकता जी? मंत्री साहब बहुत सत्कार योग है, असं तो इतों लॉ करके ना पंजाबी यूनिवर्सिटी में, मैंने लगता इंग्लैंड वालों करके आए इकनोमिक्स की भी कुछ, इन्हों ज्यादा पता भी नींह पत्थरों तो बिना इन्होंने पार्टी सब कुछ चलता यार, जोड़ा बोलता जदि धमकी दे देंगे बोल के देखो तो साडे विरुद्ध भी आप लिखण लग पे हूँ लिखण लग गए हूँ कुत्ता फलाना एक गल यार मतलब उम्मीद करते कि अगली धमकी आदि हर रोज आदि रब ना मारे है जे तो चलो छोड़ो।